फरीदाबाद के नीमका जेल में कैदियों के पास मोबाइल मिले हैं। दो कैदियों से तलाशी के वक्त ये मोबाइल बरामद हुए। दो मोबाइल दोनों कैदियों के खिलाफ अब मामला भी दर्ज कर लिया गया है। तो पहले भी ऐसी खबरें सामने आती रही हैं जिसमें देखा यह गया था कि जेलों में तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं और साथ ही ये भी कहा गया था कि वो तमाम चीजें जिनका की जेल में लेकर आना बैन है उन पर भी सख्ती बरती जा रही है। लेकिन जिस तरह की खबरें सामने आती हैं कहीं ना कहीं जेल प्रशासन पर सवाल खड़े होते नजर आते हैं। फरीदाबाद से जो खबर सामने आई है उसमें देखा गया कि नीमका जेल से दो कैदियों के पास से मोबाइल बरामद किए गए। हालांकि दोनों कैदियों के पास ये मोबाइल तलाशी के दौरान मिले हैं और अब इनके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। अब इसमें कौन कौन लिप्त है ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, क्योंकि जेल में कैदी मोबाइल नहीं रख सकते। और पहले भी जब भी अलग अलग जेलों पर रेड की जाती है या वहां पर तलाशी अभियान चलाया जाता है तो पहले भी आपत्तिजनक सामान कई जेलों से मिल चुका है। और अब फरीदाबाद से नीमका जेल से मामला सामने आया, दो कैदियों से तलाशी के दौरान दो मोबाइल मिले हैं और दोनों कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अब इस पर जांच की जाएगी कि आखिर ये मोबाइल जेल में पहुंचे कैसे। इसी खबर पर दीपक गौतम हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, खबर सामने आई है नीमका जेल से दो मोबाइल मिले हैं, फिलहाल क्या निकलकर सामने आया, पुलिस का क्या कहना है? जी बिल्कुल, नीमका जेल आमतौर पर इस चीज के लिए कुख्यात रही है कि यहाँ आमतौर पर कैदियों के पास से मोबाइल मिलते रहे हैं। इस बार फिर दो मोबाइल मिले हैं। जो बताया जा रहा है जेल प्रशासन की तरफ से वो ये कि जेल प्रशासन चेकिंग कर रहा था उस समय पलवल के रहने वाले हैं दो कैदी जो नीमका जेल में थे, इनके पास से दो मोबाइल मिले, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई है, पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है। लेकिन सवाल सिर्फ ये कि जेल इतना सुरक्षित जगह मानी जाती है, जेल के अंदर ये मोबाइल पहुंचे कैसे, ये जांच का विषय है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि साल के अंदर हजारों की संख्या में मोबाइल लगातार नीमका जेल से मिलते हैं। पुलिस जो जेल प्रशासन है ये पुलिस में मामला दर्ज करा देता है, लेकिन अब तक ये खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर ये जेल के अंदर मोबाइल पहुंचते कैसे हैं, आखिर क्या जरिया है जिसके अंदर ये मोबाइल जेल के अंदर तक पहुंच पाते हैं। तो अब भी देखना ये होगा कि पुलिस ने फिलहाल जो जेल प्रशासन है उसने मामला तो दर्ज कराया है, लेकिन ये पता करना बहुत बड़ा जांच का विषय होगा कि आखिर ये मोबाइल जेल के अंदर पहुंचे कैसे, क्या जेल के किसी कर्मचारी की मिली भगत है या कोई और बात, इसके लिए जांच करने की बात पुलिस अभी कह रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि दो कैदियों के पास से मोबाइल मिलने की खबर सामने आई फरीदाबाद नीमका जेल से। दोनों कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और इस घटनाक्रम के बाद जांच की जाएगी, उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर ये मोबाइल फोन जेल पहुंचे कैसे, क्या जेल प्रशासन की इसमें मिली भगत रही, बड़ा सवाल है जो कि बार बार उठ रहा है।